मैं आपके सामने ये बताने के लिए आया हूं कि कैसे कुचक्र रचकर, कैसे दुर्भावनापूर्ण तरीके से साजिश रचकर इस देश के बेटे, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। और कितनी बड़ी साजिश है इसका एक एक करके आपके सामने मैं खुलासा करूंगा। जो मुख्यमंत्री दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, माताओं बहनों को बस की फ्री यात्रा देने के लिए काम कर रहा है, उस मुख्यमंत्री को जेल में डालने के पीछे कितनी गहरी और बड़ी साजिश रची गई है इसका एक एक करके आपके सामने खुलासा करूंगा। और दूसरी बात, ये शराब घोटाला घोटाला घोटाला, ये शराब घोटाला दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इसके अंदर कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं है, इसका भी खुलासा करूंगा आज। इसके अंदर कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग इसमें शामिल है। मैं एक एक करके बताता हूं आपको। एक व्यक्ति है मंगुंटा रेड्डी, जिसने कुल 7 बयान दिए, कुल 3 बयान दिए। उसके बेटे राघव मंगुंटा ने 7 बयान दिए, बाप बेटे ने मिला के 10 बयान दिए। और इस 10 बयान के पीछे जब उनसे पहले पूछा गया, 16 सितंबर को पूछा गया, ईडी के द्वारा पूछा गया कि क्या आप अरविंद केजरीवाल से मिले थे, जानते हैं, तो उसने उसी बात की सच्चाई को उजागर किया। जो बात सच थी उसने कहा, हां मैं मिला था, लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन के मामले में मिला था। लेकिन उसके बाद उसके बेटे को, राघव मंगुंटा को गिरफ्तार किया जाता है, राघव मंगुंटा को जेल के अंदर रखा जाता है, 5 महीने तक जेल में रखा जाता है, और तब वो अपना बयान बदल देता है। 16 सितंबर पर पहली बार कार्रवाई होती है मंगुंटा रेड्डी सांसद पर, रेड होती है 16 सितंबर 2022 को, और 10 फरवरी तक लगातार उसको कहा जाता है बयान दो, बयान दो, बयान दो केजरीवाल के खिलाफ। वो बयान नहीं देता तो 10 फरवरी को उसके बेटे राघव मंगुंटा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और 10 फरवरी से लेकर 16 जुलाई तक 7 बयान लिए जाते हैं राघव मंगुंटा के, मंगुंटा रेड्डी सांसद के बेटे राघव मंगुंटा के। कितने बयान? 7 बयान, 3 बयान बाप का, 7 बयान बेटे का। और उन 5 महीनों में जो 7 बयान वो देता है उसमें भी पूछा जाता है 6 बयान में, अरविंद केजरीवाल को जानते हो, अरविंद केजरीवाल ने कोई घोटाला किया है, अरविंद केजरीवाल पे कुछ बोलना है। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन 5 महीने की जेल के बाद वो टूट जाता है और 7वां बयान 16 जुलाई को उसका होता है
और वो बदल जाता है, वो वही साजिश का हिस्सा बन जाता है। 5 महीने के प्रताड़ना के बाद बदल जाता है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देता है। लेकिन हैरानी की बात सबसे ज्यादा यह है कि ये 6 बयान और बाप के 2 बयान गायब कर दिए जाते हैं। 5 महीने की जेल के दौरान दिए गए बयान, ईडी कहती है इस पर हमें भरोसा नहीं है और उसको रख लिया अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स, यानी ऐसा बयान जो केजरीवाल के खिलाफ नहीं था उस पर ईडी ने कहा हमें इस पे भरोसा नहीं है। हमारे वकीलों ने अदालत में पैरवी की, बार बार कहा हमें देखना है वो बयान जो उसने अपनी गिरफ्तारी के दौरान दिया। और जब हमारे वकीलों को कोर्ट ने आदेश दिया जाओ और देखो वो सारे बयान, उनके होश उड़ गए। आपको पता है उनके होश उड़ गए? बाप बेटे के 9 बयानों में कहीं भी अरविंद केजरीवाल का जिक्र नहीं। और बाद में अरविंद केजरीवाल का नाम उससे जबरन दबाव बनाकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उससे बयान दिलवाया जाता है। अब ये मंगुंटा रेड्डी और राघव मंगुंटा है कौन, जिसको ईडी ने कहा कि यह शराब का कारोबारी है, शराब का घोटालेबाज है, इसके हम छापा मारेंगे। 16 सितंबर को छापा मारा। मैं चाहूंगा ये तस्वीर आप लोग जरूर ध्यान से देखिए। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ गलबहियां करते हुए उनसे मिलते हुए ये तस्वीर आप जरूर देखिए। ये है मंगुंटा रेड्डी सांसद, जिनकी तस्वीर है भारत के प्रधानमंत्री के साथ। यह है मंगुंटा रेड्डी जिनकी तस्वीर है भारत के प्रधानमंत्री के साथ। 16 जुलाई जब यह हमारे खिलाफ बयान देता है, अरविंद केजरीवाल और के खिलाफ बयान देता है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की भाजपा की साजिश में शामिल हो जाता है, तो 18 जुलाई को इसकी बेल हो जाती है। 18 जुलाई को इसकी जमानत हो जाती है। आप समझ पा रहे हैं इतनी बड़ी साजिश? एक आदमी जिसको खुद ईडी कह रही है ये शराब का घोटालेबाज है, शराब का घोटालेबाज है, उसका क्या रिश्ता है भारत के प्रधानमंत्री के साथ? और इतना ही नहीं, आज की तारीख में वो टीडीपी से चुनाव लड़ रहा है और भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर जनता से वोट मांग रहा है। मैं चाहता हूं वो भी आप दिखाइए। ये देखिए आप, इसको टीडीपी का टिकट मिला हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर वोट मांग रहा है, जिसको भाजपा कहती है घोटालेबाज है ये, जिसको कहती है ईडी कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे, हम इसको गिरफ्तार करेंगे, हम इसको जेल में डालेंगे, जब उसने केजरीवाल के खिलाफ बयान दे दिया तो वो नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगाकर जनता से वोट मांग रहा है भारत के लोकतंत्र में। यह इस केस की सच्चाई देश के लोगों जान लो। आपके नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो व्यक्ति बयान देता है यह है, और जो बयान छिपा लिया जाता है ईडी के द्वारा हमारे वकीलों के दबाव में, कोर्ट के आदेश के बाद जब वो बयान देखते हैं जाकर ईडी के दफ्तर पर, जिसको अनरिलाइड डॉक्यूमेंट में
ईडी ने रखा, यानी कि ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पे भरोसा नहीं है, शुरुआती सारे बयान जिस पे भरोसा नहीं है, वो बयान जो उसने सही सही बताया था उस पर कह दिया हम इस पे भरोसा नहीं, उसको छुपा लिया, बोले छुप जाओ बेटा। अब इसमें एक और ये है मंगुंटा रेड्डी सांसद, और यह है भारत के प्रधानमंत्री के साथ उनकी तस्वीर, और यह है वो चुनाव प्रचार कर रहा है, टीडीपी से चुनाव लड़ रहा है, और यह है भारत का प्रधानमंत्री, इस फोटो में सबसे ऊपर उनकी तस्वीर है, वोट मांग रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे हमको वोट दे दीजिए। अब मैं आता हूं कि शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने कैसे किया। अब एक शख्स आता है शराब का कारोबारी जिसको कहती भारतीय जनता पार्टी घोटालेबाज है, घोटालेबाज है, घोटालेबाज है, शरद रेड्डी। शरद रेड्डी के घर पे 9 नवंबर को छापा होता है 2022 में, 9 नवंबर 2022 को छापा होता है, और 9 नवंबर 2006 छापे के बाद इससे पूछा जाता है केजरीवाल जी के बारे में, ये साफ साफ मना कर देता है, कहता है मैं अरविंद केजरीवाल को जानता ही नहीं, उनसे मिला नहीं, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। और इसके कुल 12 बयान होते हैं, 12 बयान, ध्यान से सुनिएगा इसको, बहुत जरूरी है, जानना जरूरी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश करके उनको गिरफ्तार किया गया। 9 नवंबर से लेकर इससे पूछताछ के दौरान इसको जो भी दबाव बनाया गया, इसने मना किया, फिर इसकी 10 नवंबर को गिरफ्तारी हो जाती है, 10 नवंबर को गिरफ्तारी हो जाती है, और 10 नवंबर की गिरफ्तारी के बाद इसने कुल 25 अप्रैल तक, यानी कि 6 महीने इसको जेल में रखा गया। इससे बार बार कहा गया बयान दो केजरीवाल के खिलाफ, बयान दो केजरीवाल के खिलाफ, इसने नहीं दिया। 12 बयान इसने कुल दिया, और 6 महीने के बाद जब इससे कहा गया बयान दो वरना जिंदगी जेल में सड़ जाएगी, बयान दो वरना जिंदगी जेल में सड़ जाएगी, अब वो कोई संजय सिंह तो है नहीं, वो शरद रेड्डी है, टूट गया। 25 अप्रैल को उसने केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया। अब हमारे वकील फिर परेशान हुए कि जिस व्यक्ति ने केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया उसके 10 बयान को अनरिलायड डॉक्यूमेंट में ईडी ने क्यों डाल दिया। उन्होंने फिर कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई, जांच के आदेश मिले, हमारे वकील गए, उन्होंने देखा ईडी के दफ्तर में जांच के आदेश मिले, वकील गए, उन्होंने देखा सारे 10 के 10 बयान पढ़े, वकीलों के होश उड़ गए, 10 बयानों में केजरीवाल का नाम नहीं, और 10 बयान जो केजरीवाल का जो के खिलाफ नहीं थे उस पे ईडी ने कहा इस पे भरोसा नहीं, भरोसा नहीं, भरोसा नहीं। और जैसे ही उसने 25 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया उसकी बेल हो जाती है, उसकी बेल हो जाती है। अब ये शरद रेड्डी जिसको भारतीय जनता पार्टी कहती है ये शराब का घोटालेबाज है, ये शरद रेड्डी जिसको भारतीय जनता पार्टी कहती है शराब का बहुत बड़ा घोटालेबाज व्यक्ति है, ईडी कहती है शराब का घोटालेबाज है,
उसको गिरफ्तार करती है, 6 महीने जेल में रखती है, केजरीवाल के खिलाफ बयान लेने के लिए बार बार कहती है, 10 बार वो कहता नहीं नहीं नहीं, केजरीवाल से कोई मतलब और रिश्ता नहीं। 10 बयान के बाद जब टूट गया और इसने केजरीवाल के खिलाफ बयान दे दिया, 6 महीने की जेल के बाद इसको बेल हो जाती है।